खबर रीवा जिले से है, जहां रिश्वतखोर पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस ने समान तिराहे में पटवारी धीरज पांडे को रिश्वत लेते धर दबोचा है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता अनुराग मिश्रा के द्वारा लोकायुक्त एसपी से शिकायत की गई थी कि जमीन के नामांतरण के लिए पटवारी के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत की सत्यता की जांच करवाई तो शिकायत सही मिली, जिसके बाद टीम गठित कर आरोपी पटवारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, जिसे समान तिराहे में रिश्वत लेने के लिए बुलाया, जहां पहले से मौजूद टीम ने धर दबोचा। आइए दिखाते हैं पूरी कार्यवाही और सुनाते हैं लोकायुक्त एसपी ने की गई कार्यवाही के संबंध में क्या जानकारी दी है। टोपी में कुछ दाग है क्या? साइड तो करो सर। ठीक ठीक आप चले चलिए। बगल में एक जमीन थी जो हम और प्रकाश नारायण सिंह दादा जो हैं तो उनके नाम एग्रीमेंट था उस जमीन का, और उसमें हम काम कर रहे थे, बाउंड्री वाल वगैरह बनवा रहे थे। पटवारी साहब को पहले भी इस जमीन के नामांतरण संबंधी और कई चीजों संबंधी हमसे 1.5 लाख रुपए ले चुके हैं उस जमीन के लिए। जी, सिर्फ नामांतरण और छोटी सी 32.5 डिसमिल जमीन के लिए हमसे ये 1.5 लाख रुपए ले चुके। उसके बाद 4-5 दिन पहले इनने कहा कि हम बाउंड्री का निर्माण करवा रहे थे, तो उसमें इनने कहा कि आप जो है तो सरकारी जमीन में बाउंड्री का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा साहब आके एक बार आप नाप लो जमीन को, अगर सरकारी में है तो अपनी बाउंड्री निकाल लेंगे। ये वहां पे पहुंचे और नापने के बाद 5,000 रुपए उस दिन भी हमसे लिए नापने के पहले, और पहुंचे वहां तो बोले कि हाँ आपकी तो 2 फीट 3 फीट अंदर है बाउंड्री, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शाम को हमको फिर से फोन करते हैं और बोलते हैं कि आपने जो है तो वो मिले नहीं, फिर शाम के बोले थे। तो हम जब शाम के गए फिर से मिलने, हमने कहा बोलिए साहब अब तो हमारी जमीन भी अंदर है, सारी चीजें ठीक है। तब ये बोलते हैं कि तहसीलदार साहब बोले हैं कि 10,000 रुपए और आप दे दो, और नहीं तो किसी न किसी तरीके का उसमें आपत्ति कर देंगे। सर, 1.5 लाख रुपए आपने किस बात के लिए दिए? 1.5 लाख रुपए इस बात के लिए हमसे कि एक तो नामांतरण के नाम पे, कि नामांतरण करना है हमको, सब कुछ करना है उस पे, और विभाग का तहसीलदार साहब का या जो जो भी वहां पे हैं विभाग के कर्मचारी उनको घोष देना है या कुछ भी देना है। हमसे मांगते चले गए, हमारी जमीन थी, हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं आप करवाओ उसको। इस वजह से लिए ये बात तब उठी जब अब ज्यादा होने लगा, हद पार होने लगा कि इतना पैसा देने के बाद भी अगर बाउंड्री मेरी जमीन के अंदर होने के बाद भी अब अगर उसमें अगर पैसे की डिमांड की जाती है 5,000 रुपए लेने के बाद भी, सिर्फ आपको हमने यस करने के लिए कि आप देख लो हमारी अंदर है बाउंड्री, उसके लिए हमने 5,000 रुपए इनको दिया। फिर 10,000 की डिमांड की वजह से फिर हमको कोई दूसरा सहारा मिला नहीं, हमने कहा निश्चित रूप से अभी तक आप 1.5 लाख रुपए इनको दे चुके थे पहले पूर्व में। जी जी, किस तरह से मामला ये? ये रतहरा का मामला है, रिंग रोड का रतहरा का। ये पटवारी धीरज पांडे पटवारी हैं रतहरा हल्का के, ये इनको आज अनुराग मिश्रा ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इनकी शिकायत पे आज 10,000 रुपए की रिश्वत के लिए ट्रैप किया गया है। इनके निर्माण कार्य जो कर रहे थे अपनी जमीन पे, उस पर है ना अवैध रूप से आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि आप सरकारी जमीन पे निर्माण कर रहे हैं, जबकि बाकायदे सीमांकन हो चुका था उस जमीन का, उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी वो, तो अवैध रूप से उस पर आपत्ति करके 10,000 रुपए की मांग की, इस पर लेते आज ट्रैप किया गया इनको। पूर्व में भी कार्रवाई, ये पूर्व में भी एक बार धारा 7 अनावश्यक घूस की मांग में एक बार इनको मुकदमा चल चुका है, और उसके बारे में पूरी जानकारी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो ट्रायल में है, कोर्ट में लग रहा मामला अभी। ये फरियादी भी रीवा के रहने वाले हैं रतहरा, हाँ ये जमीन के बारे में जानकारी जो भी क्लियर मेरे पास डॉक्यूमेंट में दे पाऊंगा बाद में, और जमीन भी रीवा की है एक्चुअली जिले की, और अपनी जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे थे उसमें वो गड़बड़ हुई। ये रतहरा तहसील तो रीवा ही है, रतहरा हल्का का मामला है ये।